झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर महज कुछ ही दिन बचे हुए हैं, ऐसे में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। ऐसे में बात करेंगे गढ़वा रंका विधानसभा क्षेत्र की, तो गढ़वा सहित पूरे पलामू प्रमंडल में पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है। विधानसभा चुनाव से पहले गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के युवा वर्ग क्षेत्रीय विधायक सहमंत्री तथा झारखंड सरकार से काफी नाराज दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार हमेशा ही युवाओं के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। सरकार सत्ता में आने से पहले युवाओं को वादा करती थी कि सरकार बनने के तुरंत बाद 5 लाख युवाओं को रोजगार देगी तथा जो बेरोजगार युवा हैं उन्हें बेरोजगारी भत्ता देगी, स्थानीय नियोजन नीति लागू किया जाएगा, परंतु सरकार सभी वादे में विफल रही। देखिए युवाओं ने और क्या कुछ कहा। झारखंड विधानसभा चुनाव नजदीक है और 13 तारीख को वोटिंग है और हमारे साथ कुछ युवा लोग जुड़े हुए हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं कि इनका मुद्दा क्या है। क्या है सर मुद्दा? हम लोग के यहाँ है रोजी रोजगार मिले, शिक्षा व्यवस्था अच्छा हो। जिस प्रकार से राज्य सरकार ने अभी महिलाओं को सम्मान दिया है उसके मैं विरुद्ध नहीं हूँ, बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ हम लोग को ऐसा भी मिले कि युवा लोग के भी मिले, 2500 रुपये मिल रही, अच्छी बात है, लेकिन ये भी ज्यादा दिन तक नहीं चली। मान लीजिए कि अभी इलेक्शन है, आखिर पहले भी तो आपको सरकार थी, पहले भी तो दे सकते थे। इलेक्शन अभी आया 2 महीने पहले आप चालू किए, ठीक है, पहले 1000 रुपया था, 1000 रुपये से बढ़ा करके आपने 2500 रुपया किया। उसको देखा देखिए किसको? बीजेपी के देखा देखिए। झारखंड में सरेआम जो है वोट जो है पैसा के नाम पर बोला जा रहा है, मतलब पैसा देकर वोट, या तो एनडीए गठबंधन हो या फिर इंडिया गठबंधन हो। मान लें कि इंडिया गठबंधन पहले 1000 रुपये पैसा दे रहे थे, तो जो है कि एनडीए गठबंधन चालू किया कि हम 2200 रुपया देंगे, ठीक है, 2100 रुपया, ठीक है। उसके बाद फिर इंडिया गठबंधन नहीं, हम इससे कम कह रहेंगे, 2500 कर दिया, अच्छी बात है। लेकिन हम लोग के तो रोजी रोजगार जो होना चाहिए ना, इससे हम कैलकुलेशन किया, 2500 रुपया अगर हर महीना अगर देगी एक महिला को, तो लगभग इससे 50 लाख महिलाओं को जोड़ने का काम किया है। अगर हम कैलकुलेशन करेंगे, मैं कैलकुलेशन खुद किया हूँ, तो उससे महीना में 12.5 अरब रुपया आ रहा है, ठीक है, एक महीना का हो गया। अगर जो हम साल भर के करेंगे तो 0 बैठाते रहेंगे, बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर इससे मान लो कि हम लोग की 12.5 अरब रुपये एक महीने में खर्चा होगा, तो इस राज्य की अर्थव्यवस्था कैसा होगा, ठीक है, अर्थव्यवस्था के फिर भरपाई हम लोग कैसा करेगा, कैसे होगा, इसे मेरा सवाल है।